हेलो एवरीवन, दिस इज निधि खान। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ना बहुत ही जबरदस्त होने वाली, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था मैं इंटरव्यू लाऊंगा 50 सब्सक्राइबर पे, तो थोड़ा लेट हो गया मैं, सॉरी आप लोगों को, बहुत लेट हो गया मैं। तो मैंने टीजर अपलोड कर दिया, आप लोगों ने उस पर इतना सारा प्यार दिखाया, तो मैंने सोचा वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ। तो हम जो है इंटरव्यू करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त टिकटॉकर का, जिनका नाम है द वन एंड ओनली मिस्टर हुसैन तरीन, उनका इंटरव्यू लेने वाले, और आप लोगों की फेवरेट टिकटॉकर जिनका नाम है रबीका खान, तब उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो बहुत जबरदस्त होने वाली वीडियो, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यो, तो मेरे साथ मौजूद हैं हुसैन तरीन और रबीका खान, जो आप लोग मुझे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे। रबीका खान आपकी बहन अभी बहन वगैरह कोई भी नहीं, बस आप रबीका खान ठीक है आ जाएं जी। तो अस्सलाम वालेकुम, हमें बहुत अच्छा लगा आपके शो में बैठ के। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जी जी आप, ओह सॉरी चुई। तो हम इनसे पूछते हैं आपकी टिकटॉक की जर्नी कैसे स्टार्ट करी आप लोगों ने दोनों ने। भाई फोन था एक और वीडियो बना ली, स्टार्ट हो गई। अच्छा जल्दी बताए हुसैन तरीन से पूछते हैं, बहुत मेहनती मालजी चला चुके हो। टिकटॉक की जर्नी कैसे स्टार्ट करी? भाई सीन ये था कि टिकटॉक ऐप आई थी, उसको हमने डाउनलोड कर लिया और कैमरे में वीडियो बना ली। बस वीडियो बना के जो भी बनानी थी, मुझे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था कि आप टिकटॉक पे आओ। कौन दोस्त? उसके कहने पे था एक गुमनाम था और उसने सजेस्ट किया। तो फिर उसके बाद मैंने क्या वीडियोस आपको वीडियोस बनाना चाहिए, और मैंने कहा कि यार आप बात कर लें, या तो आप होस्ट बन जाए, आप मुझे एक बार बता दें होस्ट कौन है। तो मैं उस तरीके के उस होस्ट और मैं थारी दोस्त हूँ। वाह 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 वाह, नाइस यार, ये सबसे अच्छा बोला है, थारी दोस्त इज मारी दोस्त। बताएं अब हम अपना मजाक नहीं कर रहे, आपको पहले बता दें। चलिए, दोस्त ने सजेस्ट किया कि, और उसके बाद मैं टिकटॉक बनाई, और फिर उसके बाद क्या बनाया आपने? फर्स्ट आपने क्या बनाया? मैंने फर्स्ट ट्रांजिशन बनाई थी जो कि बहुत बुरी बनी थी। उसके बाद नहीं, गंजा तो मैं बहुत उमरा, तो मैंने बहुत उम्रे से आने के बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। अच्छा, बहुत जरूर दिया अल्लाह ने, अल्हम्दुलिल्लाह। टिकटॉक बनाने से पहले सोचा था मैं फेमस हो जाऊंगा, टिकटॉक बनाने से सोचा था मैं फेमस हो जाऊंगा, या आपने ऐसे स्टार्ट कर दी थी? नहीं, सोचा तो नहीं था। अगर सोच के करोगे काम तो हो गए नवाब। नहीं मतलब सोच के अगर आप करते हो काम, आपको हर चीज का सोचना चाहिए। देखो दो चीज होती है, पहले मैं सोचता था कि आपको सोच के नहीं होना चाहिए, जो लिखा हुआ है वो हो जाता है, लेकिन आपको अपने प्लान्स पहले से ही बनाने चाहिए और इस चीज पे इम्प्लीमेंट जरूर करना चाहिए कि अगर ये चीज प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी आपके पास ऑटोमेटिकली मौजूद होना चाहिए। पहले का टाइम अलग होता है, लेकिन पहले जो टाइम था उसके लिए मुझे प्लान्स की जरूरत नहीं पड़ती थी, प्लान्स ए या प्लान्स बी की जरूरत नहीं पड़ती थी, और ये बोलती रहेंगी क्योंकि देखिए कभी कभी सीरियस होना पड़ता है और इतने सीरियस नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, यहाँ पे अगर मजाक चल रहा है तो फिर अपने से बड़ा कोई मजाकिया नहीं है। आपको आ रही है ना समझ बात? फिर भी हार जाऊंगा क्योंकि मैं आपसे हारना पसंद करता हूँ। सही है, वरना तो इस दुनिया में कोई ऐसा है नहीं कि मैं अगर हारूंगा तो मैं सिर्फ खुद से हार सकता हूँ, वरना किसी में भी मजा नहीं है, भले वो कितना भी अच्छा हो। मार दे साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी सदी के गुम हो गई होश, यहाँ पे गुम हो गया। इस वजह से मैं ज्यादा डीप बातें करता नहीं हूँ, तो इस वजह से आपकी चीप बात नहीं थी। तो ये बात ही जरिए हमने इस तरह स्टार्ट किया, और देखें कोई भी नहीं सोचता कि वो फेमस हो जाए, एकदम फेम मिलता है, एकदम फेम मिलता है। थैंक यू सो मच, दिस वाज अ ग्रेट आंसर बाय यू। फाइनली आओ भाई, फाइनली आओ। तो आपको बेस्ट ट्रांजिशन टिकटॉक कौन सा अच्छा लगता है, जो सबसे अच्छी ट्रांजिशन करता है? शहीद, उनके अलावा बता दे दोस्त, नाम लूंगे लेंगे माज भाई के अलावा। माज भाई के अलावा अब ये दोनों को लड़के में, गर्ल्स में ही बता सकते हैं, वॉइस में कोई भी ट्रांजिशन। यार हार्दिक शर्मा जो ट्रांजिशन लेके आया है,
ट्रांजिशन वो बंदा है भी बहुत खूबसूरत, आंखें इतनी प्यारी उसकी जो लाया ना वो हार्ड डे का, और वो और डेस्क टॉपर जो आपको फेम के लिए यूज कर रहा है ये इसकी हाइट देखे और इसके सवाल देखे, मतलब प्रॉपर, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। शायद मेरे ख्याल से आपको आपके बड़े भाई खुरैम ने बताई होगी, क्योंकि वो पीछे से वो यूं कर रहा है कि मैंने बताया था, शुक्र ये बता दिया उन्होंने, कुल्लियां कर लें आप सारी। तो इंटरव्यू हो रहा है या कुल्लियां करने से यार ये मजाक ना हो, मैं बता रही हूं कैमरा मैन मेरा टूट जाएगा यार, ये बता रहा हूं ये भी हो सकता है। अच्छा दूसरे से बात करें जी, बताएं ना मैं टिकटॉक कर रहा हूं जाकर फेम के लिए यूज कर रहा, कौन सा टिकटॉक कर आपको जो है ना आपको कभी भी नहीं पता चल सकता कौन आपको यूज कर रहा है। हाँ आप सोच सकते हो कि आपको वो यूज कर रहा है, और हर बंदे को पता होता है कौन यूज हो रहा है कौन नहीं, बट वो उसका अच्छापन होता है कि वो कोई बोलता नहीं। और मेरी आदत है कि मैं आंखें बंद करके यकीन करता हूँ, मुझे पता होता है अगर मुझसे कोई गलत कर रहा है ना, मुझे कोई यूज कर रहा है तो मुझे पता होता है, बट फिर भी मेरी नेचर है, मैं कहता हूँ कितना इंसान गिर सकता है। सही है, तो आपको एक सजेशन मैं ये दूंगा कि आप कभी भी मुझे वापस बुलाएं तो प्लीज इन्हें इन मोहतरमा को ना आप या तो दवाई दे के लाया करें मेरे पास, या इंजेक्शन लगवा के आया करें, क्योंकि जब ये लाल लाल खो जाती है ना तो फिर सिंगर रवि का खान वो कैमरामैन बोल नहीं सकते आप। चलो जी, और आपसे ये सवाल है कि आपको सबसे ज्यादा टिकटॉकर कौन सा अच्छा लगता है? मिस्टर हुसैन करीम के अलावा? मिस्टर हुसैन करीम के अलावा कोई नहीं पसंद मुझे, मिस्टर हुसैन करीम बताएं, हुसैन करीम इनके अलावा हुसैन करीम पूरा जल्दी बताएं, हुसैन करीम जल्दी बताएं, मिस्टर बहुत सारे हैं, नहीं बहुत सारे पसंद नहीं है अपन 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 भाई अपन तो ऐसे ही है क्या, मिस्टर हुसैन तो ही अनस रवि का काशिफ खान, लड़कियों में बता दे, लड़कियों में हफ्सा खान के अलावा आशिका भाटिया पाकिस्तानी टिकटॉकर आपकी गुलाब जैसे गाल क्यों फूल गए, और आपको बेस्ट कपल कौन सा अच्छा लगता है टिकटॉकर्स में? कपल हैं कौन? हैं बहुत सारे, कमल और जुल्कर्न हैं, बहुत सारे वो कपल शादीशुदा कपल बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, उन्होंने नजरें बच्चे बचाए क्योंकि इस फिल्म में बहुत नजरें लगती हैं, और जिस तरह ताब और दुलकर नैन इसलिए पसंद है क्योंकि देखें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर के साथ शादी पे इख्तिताम करते हैं, और उन्होंने ये करके दिखाया तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई थी माशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे इस फिल्म में इतनी नजरें लगती हैं, इतनी बातें होती हैं आपके पीठ पीछे, और एक लड़की के किरदार पे कीचड़ उछालने के लिए हजार लोग बोलते हैं, लेकिन अगर वो बंदा नहीं सुन रहा और वो सिर्फ उसको साथ लेके चल रहा है, उसको बचा रहा है हर जगह से, तो सलूट है ब्रो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और अल्लाह आपको बहुत बहुत सारी खुशियाँ दे, आमीन। और जितने भी लोग जो साथ हैं उन सबको अल्लाह करे वो सब साथ रहें, और क्योंकि इस फील्ड में है ऐसा ना कि आप साथ नहीं रह सकते, आप कीचड़ उछाला जाता है आप पे नजर लग जाती है, आप हमें ही देख लो लोग हमें ऐसा कपल देखते हैं, लेकिन आई स्वेयर हम लोग कपल नहीं है, हमारा कोई सीन नहीं है, हम बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको फिर यही बोलूँगा हर ब्लॉग में, इसमें मैं यही बोलता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी लड़की के साथ वीडियोज़ नहीं बनाई, तो आप लोगों को ऐसा अगर ऐसा लगता है तो फिर मैंने मदिया के साथ भी बनाई थी, तो आपने उसके साथ मेरा कपल क्यों नहीं बनाया, अगर आपको इतना कपल ही करना था, उसके अलावा इतने सारे गेम शो में है, शताज के साथ भी मैं ऐसे बना लेता, तो मतलब इसका मतलब सब कपल लोगों की थिंकिंग ये हो गई कि हर एक हम अगर एक साथ अगर हम एक साथ दिखते हैं आप लोगों तो नहीं दिखेंगे, अगर आप लोगों ये चाहते हैं तो मैं नहीं बनाऊंगा उसके साथ वीडियोस, मैं नहीं बैठूंगा, ये भी नहीं बनाएगी, हम दूर रहते हैं, फिर आप लोग वो बोलेंगे मिसिंग दो योर वीडियोज मिसिंग दोज मोमेंट्स, ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि हम बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर कोई ऐसे जैसे हम ताली मार लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं तो प्लीज़ उसके पीछे आप बैकग्राउंड में कोई गाने वाले लगा के उस क्यूट मोमेंट्स करके नहीं अपलोड करा करें, क्योंकि उससे फिर बाकी लोगों के हमारे भी अम्मी वगैरह हैं इसके भी घर वाले हैं, और चले मेरा खैर है, मैं नहीं चाहता कि इसके बैकग्राउंड पर कोई भी इम्पेक्ट पड़े, क्योंकि इसकी आगे
बहुत बहुत अच्छी जिंदगी है इंशाल्लाह, अल्लाह से बहुत कामयाब करे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कुछ ऐसी बातें हों जो इसके लिए नागवार गुजरे, ऐसा ही होता है ना, हार्मफुल हों या फिर वो हों, तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखा करें। मेरी नहीं तो एटलीस्ट एक लड़की की इज्जत आपके उसके हाथों में तो होती है, लेकिन देखें आप उसको किस तरह दिखाते हैं वो आप लोगों पर होता है। तो प्लीज़ इन बातों का ख्याल रखा करें, क्योंकि पीछे से अरे हमारे भी ख़ानदान वाले हैं वो भी देखते हैं। अब मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी ऐसे बोले आप और रबीका का कुछ है क्या, आप और उसका कुछ है क्या। यार क्यों होगा हमारा, होगा तो बता देंगे, होगा तो कसम से अगर 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 हुआ तो प्लीज़ ऐसा मत किया करें। और बस अगर साथ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ माशाल्लाह कहा करें, हमें बहुत नज़र लगती हैं। अगर आपको हम ऑन कैमरा सही दिखते हैं तो शायद बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ हम सही नहीं होते, हम लड़े हुए होते हैं बट हम शो नहीं करा रहे होते, शायद हमारे फेस एक्सप्रेशन से लगता है, क्योंकि दोस्तों में लड़ाई होती है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते, अगर हम कपल टाइप होते तो हमारी लड़ाइयाँ बहुत अलग होती। अगर हम दोस्त हैं जब ही हम हंसते खेलते हैं और मजाक करते हैं। और मैंने आपको बहुत पहले ही बोला हुआ है, सॉरी भी बोल देती हूं अगर कोई और हाँ, तो मैं भी यही बात है कोई और, मैं अभी भी यही बोलूंगा, लाऊंगा वही जो मेरी अम्मी कहेंगी, हाँ नहीं तो हाँ, और मतलब आपको सीरियसली यार, मतलब हुसैन और कहा यार सीरियसली यार, हाँ नहीं तो हाँ। तो ये बात है, अल्लाह जो नसीब में अच्छा लिखे भाई, ये नहीं होगा तू कोई और बहुत अच्छी होगी, तू आपने दिखाया गेम्स जर्नी बताएं आप लोगों से, एक साल हो गया गेम्स में, तो आप कैसे गए थे? कैसे थे हम भाई, जाके बैठ गए पहले, जैसे हुसैन के मैं स्टाइल बताती हूँ, सैन यहाँ खड़े मारो मारो मुझे मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, ऐसे तो नहीं खड़ी थी हुसैन, यूं करके और उसके दो दिन बाद मुझे कॉल आई थी बोल से वापस, और जिस चैनल पे मेरी मीम बनी उस चैनल पे मैंने एक साल काम किया, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी और बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला है बहुत ज़्यादा। और शायद अगर गेम शो नहीं होता तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि मैं आगे के इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं हज़ार प्रॉब्लम्स को फेस कर सकूं और इन सारी बातों को साथ लेके, शायद मैं आपसे भी इस तरह बात नहीं कर रहा था, मैं अगर जेन्युइनली बताऊं तो फिर अगर मुझसे कोई छोटा बच्चा बात कर रहा होता तो मैं ऐसे सीरियस कभी भी नहीं बात करता, बट ऑन कैमरा कैसे बैठना है कैसे किस तरह बात करनी है, मैनर्स और एटिकेट में तो घर वालों ने सिखा के भेजा था, और तो मैंने तो कौन सा बोल दिया, मैंने सिखाया आपको, आपने भी सिखाया रबी का आशिफ खान ने भी, जो बहुत बहुत चीजें सिखाई हैं और ऐसी ऐसी चीजें सिखाई हैं, कुछ कैसी हो रही है यही तो दिखाना था तो ये बात है, और आपने बीच में गेम से छोड़ दिया था, वो लिखा हुआ था उस छोड़ने के बाद, मुझे अगर मैं वो नहीं छोड़ता तो शायद मुझे कुछ पता नहीं चलता, शायद मैं कुछ चीजें फेस नहीं करता, तो वो जरूरी था, वो चीज़ें फेस वैसे नहीं करता कि मैंने छोड़ा था ताकि मैं काम करूं और मैं काम नहीं कर पाया था, मैं घर बैठा रह गया था, तो इस वजह से तो ये बातें शो छोड़ना, जान सूली बैठी हुई थी मेरी घर बैठे बैठे अच्छा तो ये बात है, जो बात है तो मेरी वाहिद दोस्त वहाँ अकेली है, और मेरी वाहिद दोस्त अब अकेली नहीं है भाई, अब अकेली नहीं है, मैं उस वक्त ही सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं, अब अच्छा अच्छा चलो बाबा दूसरा सवाल भाई, आप बताओ ऐसे क्या बोल रहे हैं, अपनी जर्नी सीन, ये तो धरती पे पैर रखा था, धरती पे पैर रखा था, पैर रखा था फिर धरती है बोझ, फिर मैं बड़ी होने लगी, बड़ी होने पहले इतनी थी फिर इतनी होने लगी, फिर इतनी होने लगी, बड़ी होने के बाद कि मेरा दिमाग भी बड़ा होने लगा, ये जो आवाज उसका जो वो एक्सेंट होता है और आवाज का जो सुर सवार होते हैं वो डेवलप होने लगे, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने आगे फ्यूचर के नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फ्यूचर के प्लान्स हुसैन के, जी चलो काम के हवाले, एक बड़ा अच्छा इंसान बनना है मुझे सबके हवाले से,
बड़ा अच्छा इंसान हूँ मैं, मुझे वो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। और अच्छा इंसान कभी भी अपने आप को बताता नहीं कि वो अच्छा है या बुरा है, वो सिर्फ मुझे पता है, वो मैं बता सकती हूँ आपको बस। और मुझे फिर कुछ चाहिए नहीं। और आप बड़े के इंजेक्शन भी लगवाएंगे किस चीज़ के लिए? भाई ये काट देना यार, अगर कल को लास्ट तक फिर कल को मेरा कलर मेरा साफ हो तो ही कौन सा इंजेक्शन करियो। और क्यों क्या है भाई, हटा देना, मैं बता रहा हूँ। फ्यूचर के प्लान्स मेरे ये हैं कि सीन्स कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं, पैसे से मैंने कभी प्यार नहीं किया। 1 मिलियन इंशाल्लाह वो अभी हो जाएंगे। बर्थडे ट्रीट, मैंने ये सोचा मैं अपनी बर्थडे ट्रीट दूंगा अपने यूट्यूब के मिलियन को, और मैं खुद अपना एक अपना बर्थडे गिफ्ट तो मैंने सोचा मैं मुझे लगा पैदा ही नहीं हुए। ओ भाई ये तो क्या मजाक किया उसने यार। तो ये बात है, सही है फिलहाल ये। उसके बाद दूसरा मुझे भी बहुत सारी पढ़ाई करनी है। मैं फाइनल बड़ा होगा क्या काम करना चाहेंगे? बड़ा होके मैं कितने बड़े होंगे? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मैं थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में आ जाऊंगा तो फिर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग पे आऊंगा। और एक बहुत बहुत अच्छी चीज सोची हुई है, वो मैं बताऊंगा नहीं, वो मैं सब करके दिखाऊंगा। आपको बहुत कामयाब करें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। मेरा साथ आपके साथ है। तो थोड़ी सी हिंट तो देती है, थोड़ी सी हिंट ये देके जाऊंगा कि जिन चीजों से गिराओगे उस चीज से उठ के दिखाऊंगा और सबके मुंह पे चमाट मार के दिखाऊंगा। अपना चमाट नहीं, मेरे चमाट ऊपर से आते हैं। जब मैं कुछ करता हूँ ना तो फिर वो फिर अल्लाह दिखा, तो फिर अपनी कामयाबी का चमाट मार के दिखाऊंगा। जैसे कि फरहम अब्बास, फरहम अब्बास कौन है? बड़े नाम याद हो रहे हैं भाई, इमरान अब्बास ही तो है। फ्यूचर ये है कि बड़ों के पता ही नहीं हो जाऊंगी, अभी भी बहुत है। मुझे पता, कुछ शक नहीं है इसमें। और बहुत प्यारी हो जाऊंगी, मुझे अपना फेस अलग करना है। अलग करना है मतलब ये कटोरा हटा के ये दूसरा दूसरा कुछ रखना है। प्लास्टिक सर्जरी जिसे कहते हैं आपकी जुबान में, वो करवानी है। और दूसरा सीन ये है कि बड़े होके जब मैं बड़ी होंगी ऐसा तो कुछ भी नहीं करवाएगी, मेरे पैर भी बड़े हो जाएंगे, हाथ भी बड़े हो जाएंगे, कद भी बड़ा हो जाएगा। बहुत प्यारी है। और इसे ये बात प्लीज आप कमेंट में बता दें कि इसके दांत जो ये वाला साइड निकलता है ना, इसको क्या बोलते? मुझे नहीं पता। आप कहाँ थे? आपके चरण का है, चरण का है। ये तीज जो इनके निकलते हैं बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। निकालते ना, ये देखिए कितने क्यूट माशाल्लाह, मतलब कोई भी रन लो, रन लो, बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। लेकिन मैं आपको ऐसे बोल रहा था कि इस वजह से, क्योंकि कुछ छोटे छोटे लगे हुए यहाँ पे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ये बात है, आपने इसकी भी सुन लिया, मेरा भी सुन लिया, तो प्लीज इसकी? इनका बोलता हूँ मैं, इनकी हमारी क्या बनना चाहिए? आप ही का है, आपने बोला था रवि का है। मुझे पढ़ा के डॉक्टर बनना, अल्लाह मुझे कामयाब करे इंशाल्लाह। ये नहीं बनता इंशाल्लाह अपने मुंह से निकाले। मैंने दिल में बोला, मैंने ये बातें दिल में बोली जाती हैं रबी काशिफ खान। तो अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, बस कोशिश जारी है, बन गई तो ठीक है वरना इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारी आपकी कोशिशें और सारे प्लान्स कामयाब करे, आमीन। और आपको बहुत बहुत बड़ा इंसान बनाए और हर बुरी चीज से बचाए और हमेशा खुश रखे, आमीन। और आपका जो सिंगिंग का है, सिंगिंग का बहुत, आपको सिंगिंग का भी बहुत शौक है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इतनी अच्छी आवाज, अच्छा गालियां तो गालियां भाई, कितनी जितनी अच्छी आवाज होती है लोगों की, तो यार हमें बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें क्या पता, लाखों लोग सुन रहे हैं इनकी आवाज, हमें तो एक हम है
गाते हुए चैनल बंद हो जाते हैं जब हम गाते नहीं है, और एक गेम की आवाज हम गालियां तो गालियां यार, मतलब क्यों गालियां तो हजार लोग सुनते हैं। अच्छा। और मैं बहुत अच्छे से सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगती है ना आवाज, तो फिर मेरे लिए तो आपको गाना ही पड़ेगा। आप बोले तो मैं देर रात गाती हूँ। इतना क्यों नहीं मैंने तो आप इंजॉय कर लें हमारी बातें, आप ऐसे बैठे रहे करें और हमें माशाल्लाह कहा करें। और प्लीज़ 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 अगर आपको लगता है कि हमें साथ ही रहना चाहिए तो प्लीज़ हमारे लिए, हमारे आगे के फ्यूचर के लिए ये सारे वीडियोस और ये चीज़ें नहीं बनाया करें। सही है, अगर आप बना रहे हैं तो एज अ कपल प्लीज़ नहीं बने, आप हम दोस्त हैं तो प्लीज़ हमें दोस्त, हमारी दोस्ती रिप्रेजेंट करें कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ पे प्लीज़ फोकस करिएगा। और मैं हर ब्लॉग में यही बोलते हैं तो हम लोग ऐसे ही नहीं बोलते क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, हर्ट भी करती हैं, हम नहीं बोलते, हम जताते नहीं हैं, हम बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखिए अगर हम जैसे दोस्त हैं तो फिर हम ही दोस्त हैं ना, हम दो बंदे तो दोस्त हैं, हमारी ही बस हमारी करें। लोगों में मिलाते हो तो वो बहुत हर्ट करता है हमें, हम बोलते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं, बट आप लोगों को खुद से भी ख्याल रखना चाहिए। तो प्लीज़ इस चीज़ चीज़ों पे थोड़ा काम कीजिए, काम करें और समझने की कोशिश कीजिए बाकी, क्योंकि अगर हमें नहीं देखनी होगी ना तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही हल है जो हम ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि हमें नहीं देखनी एक चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही, लेकिन हम फिर भी ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। हम आप लोगों को मतलब चांस दे रहे हैं कि शायद आप सही हो जाएंगे, हमारा इसके बाद आप लोगों को जरूर समझ आएगी, क्योंकि आपने नाम ऐसा लिखा हुआ है रबी सेन और आपकी वीडियोस मतलब अलग अलग है, मदियो सेन भी आ रहे हैं उसमें तो पता नहीं कौन कौन आ रहा है ना। तो फिर इन बातों को सुने और इंजॉय किया होगा आपने हमारी थोड़ी सीरियस और थोड़ी मजाकिया बातों को, क्योंकि हम सीरियस रह नहीं पाते ऐसे। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा छोटू को प्यार दें। ओके बाय बाय।